20 जुलाई को कार में बंधक बनाए गए डॉक्टर प्रमोद पहारिया और उनका परिवार सभी बदमाशों के गिरफ्तार होने के बावजूद भी सुरक्षा को लेकर घबराया हुआ है। इसी कारण से डॉक्टर पहारिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि अगर ग्वालियर में कानून व्यवस्था ऐसी ही रहेगी तो बदमाशों के हौसले बुलंद रहेंगे। उन्होंने पत्र में सीएम से निवेदन किया है कि अपराधियों को सख्त संदेश देने की जरूरत है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उस परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। कि जो बदमाश लोग हैं वो कोई भी काम करने से पहले 10,000 बार सोचें। जैसे कि यूपी में चल रहा है, यूपी में योगी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई उनकी बाई करके दिखाए मेरे को, कोई बाई नहीं कर सकता उनका, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे कोई आईएएस ऑफिसर, कोई उनकी बाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्रिमिनल्स को एकदम ठिकाने लगा रहे हैं, क्राइम एकदम जीरो पे कर दिया उन्होंने। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में ऐसे ही होना चाहिए ना, ये थोड़ी टाइम टालम टोली चल रही है कि कोई कुछ भी आए और खत्म, अपना टाइम पास करके अपना खौफ ऐसा होना चाहिए बदमाशों में कि वो करने से 10,000 पहले सोचें, ना कि उसको सहन करें। अब ये हमारी जानकारी में नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात होती है, जो उनको सुरक्षा के लिए सारी चीजें चाहिए वो की गई हैं। जो आरोपी थे वो सारे लोग गिरफ्तार हैं, कुछ शायद कोई बात रही होगी, उनसे बात करेंगे और उनको सुरक्षा जो है उनको पूरी प्रोवाइड कराई जाएगी, उनको उनके परिवार को।